सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं डिलीवरी मैन बाइक से कार्टून बनाता नजर आ रहा है। वह कार्टून कश्मीरी गेट डिलीवरी करने के लिए जा रहा था। 18 आईफोन, लगभग 6 लाख का माल। कस्टमर के कहने का मतलब यह है कि कस्टमर कह रहा है कि पोर्टर राइडर 6 लाख रुपए का माल लेके भाग गया है फरार। पार्सल में 18 फोन थे, उसमें 5 आईफोन 11 थे, 10 आईफोन 12 थे और 2 आईफोन 13 थे और 1 आईफोन 14 था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अभी मैंने एक ऑर्डर पिकअप किया है, ये है भाई, छोटा सा ऑर्डर लेके जाना है नागलोई का शायद, हाँ। और अभी मैं हूँ ये टैगोर गार्डन एक्सटेंशन रजौरी गार्डन के पास, और ये देखो रजौरी गार्डन एक्सटेंशन से पिकअप किया है, जे ब्लॉक से लेके जाना है नागलोई टंकी रोड। तो ट्रिप स्टार्ट कर देता हूँ। कितने का ऑर्डर है, 133 रुपये का ऑर्डर है। किलोमीटर दिखा देता हूँ आप सभी को, तो 8.4 किलोमीटर दिखा रहा है और 28 मिनट यहाँ से, 8.4 28 मिनट, ठीक है भाई। तो एक चीज़ मुझे आप सभी को बतानी है, एक घटना बताना है मुझे जो कि पोर्टर राइडर के साथ हुआ है ना, और वो घटना क्या है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। और ये न्यूज़ में भी आ चुका है, आप न्यूज़ देख लेना, न्यूज़ में आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ था, है ना। तो यहाँ से यू टर्न दिखा रहा है यार, शॉर्ट रास्ते से चलते हैं ना, एक किलोमीटर बढ़ गया, आधा किलोमीटर। 18 आईफोन, लगभग 6 लाख का माल। कस्टमर के कहने का मतलब ये है कि कस्टमर कह रहा है कि पोर्टर राइडर 6 लाख रुपए का माल लेके भाग गया है, फरार है, ना ही फ़ोन उठा रहा है, ना ही जवाब दे रहा है, ना ही पोर्टर वाले कुछ कर रहे हैं। अब पूरा घटना क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि गलती, साथ में ये भी बताऊँगा मैं आप सभी को कि इसमें गलती किसकी है, कस्टमर की है या फिर राइडर की है या फिर कंपनी की है, इसमें भी मैं बताऊंगा सारा चीज़ कि किसकी गलती है ना। तो बात करते हैं शुरुआत से। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पोर्टर में क्या जाता है, सामान जाता है, पार्सल जाता है ना। अब उस पार्सल में क्या चीज़ है कस्टमर वो नहीं देखते, सीधा बुक कर देते हैं, भैया जो भी चीज़ है ले जाओ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, पूरा कहानी मैं आप सभी को बताता हूँ। करोल बाग में एक दुकानदार है जिनका मोबाइल शॉप का दुकान है, उनको एक सामान भेजना था चांदनी चौक में, चांदनी चौक का पार्टी है उनका, उनके पास सामान भेजना था। तो उन्होंने पोर्टर बुक किया, पोर्टर में जैसे वो हमेशा सामान भेजते थे वैसा ही वो इस बार भी पोर्टर बुक किया उसने। राइडर आए और सामान ले गए। अब उस सामान में क्या था भाई, तो कस्टमर का कहना है कि मैं जो सामान भेजा उसमें मेरे 18 आईफोन थे जिसका कीमत लगभग 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत बता रहे हैं। पार्सल में 18 फ़ोन थे, उसमें 5 आईफोन 11 थे, 10 आईफोन 12 थे और 2 आईफोन 13 थे और 1 आईफोन 14 था। सारे एप्पल के फ़ोन थे। मतलब 6 लाख रुपए का माल है जिसका बिल परचेजिंग सारी हमारे पास एक नंबर। जिस कंपनी से काम करते हैं बिना बिल पर्चे के काम नहीं करते। करोल बाग से चांदनी चौक वही पौना घंटा के आसपास लगता है पहुंच जाते हैं, लेकिन एक घंटा हो गया, एक घंटे तक जब राइडर का कोई भी फोन जो पार्टी है चांदनी चौक की उनके पास नहीं आया, तो जो पार्टी है वो कांटेक्ट करने की कोशिश की राइडर से। जैसा कि आप सभी को पता होगा अगर कोई बुक करता है, अगर आपके पास सामान भेजता है तो आपके पास भी राइडर का नाम, मोबाइल नंबर और ट्रैकिंग आईडी मिल जाता है, तो आप भी राइडर को ट्रैक कर सकते हो, लिंक मिल जाता है और आप उससे कांटेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो पार्टी ने कांटेक्ट किया, तो जब कस्टमर पूछा, जो पार्टी थी वो पूछा राइडर से कि भैया कहाँ पर हो आप, एक घंटे हो गए लेकिन अभी तक आप आए नहीं हो। तो राइडर क्या किया कि राइडर ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद जब दोबारा फ़ोन किया गया, जो चांदनी चौक की पार्टी थी उसने दुकानदार को बताया, करोल बाग के जो दुकानदार है उसको बताया कि आपका जो राइडर है उसने फ़ोन काट दिया है। फिर यहाँ से भी फ़ोन करने लगे राइडर को और वहाँ से भी फ़ोन करने लगे। आधे घंटे बाद फिर राइडर का फ़ोन आता है और राइडर कहता है कि आपका जो पार्सल था वो मेरे से कहीं गुम हो गया, यानी कहीं पर खो गया। अब कहाँ खो गया ये पता नहीं चल रहा। करोल बाग से कश्मीरी गेट के लिए बुकिंग करी थी,
तो एक घंटे बाद उसकी मेरे पास कॉल आती है। पहले उसको कॉल करता है ड्राइवर को, जिसको जहाँ पे पार्सल मुझे देना था, उनको कॉल करने के बाद में वो कहता है कि आप कहाँ पर हो, उसके बाद में कॉल कट कर देता है। फिर आधे घंटे बाद कॉल करता है कि पार्सल मेरे से खो गया है। अब उसके बाद राइडर क्या करता है, राइडर अपना मोबाइल बंद कर देता है। ऑलरेडी वो परेशान हो गया था, क्योंकि अगर किसी पार्टी का सामान खो जाता है तो वो कस्टमर क्या करता है कि भाई राइडर को फ़ोन करके तरह तरह के गालियां देना चालू कर देता है और धमकियां भी देने लगता है फ़ोन पे ही। तो राइडर ने क्या किया कि भाई डर से अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। अब इसमें कितना हकीकत है ये तो पता नहीं चला है कि राइडर से पार्सल खो गया है या फिर राइडर को पता था कि इसमें क्या है और मोटा हाथ मारने के चक्कर में वो उस पार्सल को ले गया हो। तो ये भी मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि भाई पार्सल ले गया है राइडर या फिर राइडर से पार्सल खो गया है। अगर राइडर से पार्सल खो गया है तो राइडर को, पोर्टर कंपनी को बताना चाहिए, कस्टमर को बताना चाहिए। अब कस्टमर का क्या कहना है वो आप सुन लीजिए। पोर्टर ने सर हमारा कोई भी मैसेज एक्सेप्ट नहीं किया, हमने उनको इतला दी कि जी ऐसे ऐसे आपका आदमी जो है हमारा सामान ले गया। उन्होंने कहा कोई नहीं, हम आपसे कनेक्ट करते हैं, बात अपना एग्जीक्यूटिव आपसे बात करवाते हैं। उसके बाद पोर्टर ने 4 फोन उठाए, उसके बाद उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। हमने सोचा शायद रात ज़्यादा हो रही है, सुबह बात करेंगे ये लोग, सुबह भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम आप फोन कर रहे हैं, कोई हमारा फोन नहीं उठा रहे और ना उनका कोई वहाँ से जवाब आ रहा है इस चीज़ का कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। अब इसमें मैं आप सभी को बताता हूँ कि राइडर की गलती है या फिर कस्टमर की गलती है या फिर कंपनी की गलती है। देखो इसमें अगर मैं बोलूँ ना तो सीधा सीधा कस्टमर की गलती है, क्योंकि अगर आपका सामान इतना महंगा है, अगर 6 लाख रुपए का सामान आप भेज रहे हो तो आप सेफली उसको भेजो भाई। 2-व्हीलर पे कोई सेफ्टी नहीं होता। 2-व्हीलर पे अगर आप सामान इतना महंगा भेज रहे हो, कहीं से कोई ठोक दिया या फिर सामान पे सामान गिर गया, उस पर गाड़ी चढ़ गया, है ना, तो वो सामान क्या है? आपने फ़ोन भेजा, बॉक्स में डाल के भेजा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो राइडर से वो गिर गया, राइडर ने देख भी लिया कि भाई मेरा पार्सल गिर गया, किसी कार वाले ने उस पार्सल पर चढ़ा दिया या फिर कोई ट्रक वाले ने उस पार्सल पर चढ़ा दिया, तब उस पार्सल का क्या हालत होगा? तो जो गलती है वो भाई सबसे पहले मैं बताऊंगा तो कस्टमर की गलती मैं मानूंगा। इतना महंगा पार्सल अगर आप 6 लाख रुपए का पार्सल पोर्टर में किसी कंपनी के भरोसे या फिर किसी एक राइडर के भरोसे जिसे आप जानते भी नहीं हो, आपने कंपनी पर ट्रस्ट करके वो पार्सल भेजा, तो ये भाई ये आपकी गलती है। आप चाहते तो अपना एक बंदा भी उस पार्सल को लेके भेज सकते थे, ताकि वो बंदा आपके जानकार है, या फिर आप अपने किसी एम्प्लॉय को भेज सकते थे, आपके दुकानदार में जो भी काम करते हैं आप उसको भेज सकते थे। लेकिन आपने एक कंपनी के भरोसे अपना 6 लाख रुपए का पार्सल भेज दिया, तो आपने ये गलती जो मैं बोलूँगा ये सबसे पहले कस्टमर की गलती है, यानी दुकानदार की गलती है कि आप किसी भी कंपनी के भरोसे उस राइडर को पार्सल कैसे दे सकते हो जिसे आप जानते भी नहीं हो, जिसे आपने पहले कभी देखा भी नहीं है, आप सिर्फ एक कंपनी के भरोसे दे रहे हो पार्सल। पोर्टर कंपनी की भी यहाँ पर गलती है। पोर्टर कंपनी को क्या करना चाहिए कि भाई कोई भी एक लिमिट लगा देनी चाहिए, जैसे ओला उबर ने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी महंगा आइटम भेजते हो, कोई भी कीमती सामान भेजते हो, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी महंगा या फिर कोई भी कीमती सामान, जैसे 1-2 लाख का सामान है आपका, अगर आप वो भेजते हो और वो गुम हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं। पोर्टर को भी एक ऐसा ही नियम लाना चाहिए कि एक लिमिट लगानी चाहिए कि 50,000 से लेके या फिर 1 लाख तक लिमिट को मैक्सिमम रखना चाहिए कि 1 लाख तक का अगर आपका सामान है तो आप भेज सकते हो, उससे ऊपर का है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आपकी होगी। अगर कुछ हो जाता है, सामान खो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे और राइडर भी हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो एक लिमिट पोर्टर को भी लगानी चाहिए कस्टमर के खिलाफ, ताकि भाई अगर मान लो 6 लाख रुपए का सामान है राइडर से खो गया, तो राइडर वो 6 लाख रुपए कस्टमर को कहाँ से लाके देगा? भाई मेन बात तो यही है ना, उस वो कस्टमर कह रहा है कि सारा बिल मेरे पास है, तो भाई बिल का क्या करेगा जब राइडर वो पैसे आपका 6 लाख रुपए पैसे आपका दे ही नहीं पाएगा। वो अगर साल भर भी काम करेगा, 2 साल भी काम करेगा, तभी भी आपका वो 6 लाख रुपए नहीं दे पाएगा।
तो इतना महंगा आप सामान आपने भेजा ही क्यों? राइडर की भी गलती है, देखो साफ साफ मैं बताऊं तो तीनों की ही गलती है, कस्टमर की भी गलती है, राइडर की भी गलती है, कंपनी की भी गलती है। राइडर की गलती ये है कि कोई भी सामान आपने लिया तो आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जबकि ये होता है कि अगर आपको कोई कस्टमर सामान दे रहा है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, पिकअप से लेके ड्रॉप तक आप उसको सुरक्षित डिलीवर कर दे। लेकिन राइडर ने ऐसा नहीं किया, राइडर ने पीछे बांध दिया, जैसा तैसा बांध दिया। सीसीटीवी फुटेज भी है, मैं आप सभी को दिखा दूंगा। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं डिलीवरी मैन बाइक से कार्टून बनाता नजर आ रहा है। वह कार्टून कश्मीरी गेट डिलीवरी करने के लिए जा रहा था, लेकिन कार्टून कश्मीरी गेट रिसीवर तक नहीं पहुंचा। व्यापारी के मुताबिक 29 तारीख की शाम को जब एक घंटे बाद उसे फोन किया गया तो उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद इसकी सूचना पोर्टर और दिल्ली पुलिस को दी गई। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि डिलीवरी बॉय का कहना है कि पार्सल उससे कहीं खो गया है। अब इस मामले को लेकर व्यापारी का आरोप है कि पोर्टर ने दो दिन बीत जाने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो देखो भाई, मैं तो आप सभी से यही कहूंगा कि आप जो भी सामान लेते हो पोर्टर से, आप जो भी सामान आपने लिया है पिकअप किया है, तो पिकअप से लेकर ड्रॉप तक वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको सही से पहुँचाए। कस्टमर आपको वो अपना पार्सल दे रहा है ताकि आप उस पार्सल को सही से डिलीवर करें, तो वो आपका काम है। कस्टमर इसी का पैसे आपको देता है, इसी चीज़ का पैसे आपको देता है कि आप उसका सामान यहाँ से वहाँ तक ले जाओ, लेकिन सेफली ले जाओ। ये नहीं है कि आपने सामान लिया और उसको तोड़ फोड़ करके आपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया और बाद में बोलो कि भाई आपने तो मुझे यहाँ से वहाँ तक ले जाने का ही पैसे दिया था, फिर रास्ते में सामान टूट गया तो मैं क्या करूँ, या फिर मैं रास्ते में तोड़ दिया तो मैं क्या इसमें करूँ भाई। तो ऐसा आइटम भी आप ना ले जाओ कि रास्ते में टूट जाए। सारी जिम्मेदारी आपकी होती है भाई, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, तभी आप काम कर पाओगे, है ना। तो अभी उन राइडर का भाई कुछ भी पता नहीं चला है, और दुकानदार भी भाई क्या कर सकते हैं, राइडर उतना पैसे कहाँ से ला के देगा। 6 लाख रुपये कम नहीं होते हैं भाई, बहुत होते हैं 6 लाख रुपये, तो राइडर कहाँ से देगा भाई उतना पैसे, है ना। अब इस चीज़ का भी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है कि पार्सल खो गया है या फिर क्या हुआ है, राइडर ने ये चीज़ कंफर्म नहीं किया है। सिर्फ एक बार फ़ोन किया कि आपका जो पार्सल है वो मेरे से गिर गया, लेकिन कहाँ गिरा नहीं गिरा वो चीज़ें नहीं बताया कस्टमर को। तो भाई देखो, मैं भी इसमें कंफर्म नहीं कर सकता कि मैं अपनी बातें बता दूं फिर मुझे गालियां पड़ने लगे कि नहीं भाई सारे राइडर देखो एक जैसा नहीं होता है। तो मैं इसलिए कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकता कि पार्सल खो गया है या फिर राइडर ले गया है, मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकता। तो एक ये मैसेज था जो आप सभी को देना था, और ये एक सच्ची घटना है। अगर आप सभी इसे मज़े मज़े में ले रहे हो तो भैया ले लो, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं तो अगर कोई सामान लेता हूँ तो मैं उसकी पूरी देख रेख करके रास्ते में देखता रहता हूँ, ले जाता हूँ आराम से। तो ये चीज़ें आपको भी करनी है, मज़े में ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है भाई ले लो, लेकिन जिस दिन कहते हैं ना कि मुसीबत बता के नहीं आती, जिस दिन आ गए उस दिन भाई आप फंस जाओगे, फिर आप क्या कर पाओगे बताओ। तो अगर ये वीडियो कोई कस्टमर देख रहे हैं तो मैं कस्टमर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना महंगा पार्सल आप किसी भी कंपनी के थ्रू कंपनी पे ट्रस्ट करके ना भेजे, क्योंकि भाई कुछ भी पता नहीं होता कब आपके साथ क्या हो जाए या फिर कब कौन से राइडर के साथ क्या हो जाए। तो इससे बढ़िया कि अगर आप 5-6 लाख रुपए का आइटम अगर आप भेज रहे हो तो अपने किसी जानकार को लेकर भेजो, अपने किसी स्टाफ को भेजो, ताकि आपका जो वो पार्सल है वो सक्सेसफुल डिलीवर हो पाए और सही जगह पर पहुँच पाए। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा। 2 किलोमीटर और रह गया है मेरा, 2 किलोमीटर और जाना है मुझे, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जानकारी आप सभी को सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।